नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में IES अधिकारी के लापता होने के बाद परिजनों में शोक की लहर छा गई है। आपको बता दें कि लद्दाख के द्रास सेक्टर में अधिकारी की ड्यूटी लगी थी, तो वहीं लौटते वक्त उनकी गाड़ी खाई में गिर गई, जिसके बाद से वो लापता है। मामला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिला के कौवापुर कस्बा क्षेत्र का है, जहां जयनगरा गांव के रहने वाले सुबहान अली का चयन 5 महीने पहले भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में हुआ था। सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में देश में उनकी 24वीं रैंक थी। 3 महीने पहले उन्हें बॉर्डर ऑफ चाइना पर सिविल इंजीनियर पद पर लद्दाख भेजा गया था। IIT मद्रास से इंजीनियरिंग पास करने वाले सुबहान अली इससे पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण में सिविल इंजीनियर के पद पर तैनात थे। मौजूदा समय में उनकी तैनाती कारगिल क्षेत्र में बने क्वारंटीन सेंटर में लगी हुई है। जानकारी के अनुसार भारत चीन सीमा पर मीना मार्ग से द्रास तक सड़क निर्माण हो रहा है। 22 जून 2020 को सुबहान सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने गए थे। इसी दौरान उनकी जिप्सी गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। सेना के अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन कर गाड़ी बरामद कर ली, लेकिन IS का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। परिजनों के मुताबिक जुलाई में उनकी शादी होने वाली है। भाई शाबान ने बताया कि पहले अप्रैल में शादी होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था। उन्होंने बताया कि 22 जून को सुबहान का फोन नहीं आया। जब इधर से फोन किया गया तो भी संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि जब 23 जून को उनके सीनियर अधिकारी को फोन किया तो घटना की जानकारी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। देश की सुरक्षा व्यवस्था जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय पर होता है, लेकिन आपने एक होनहार IAS अफसर सुहान अली जम्मू कश्मीर के मद्रास सेक्टर में एक्सीडेंट हो जाता है और महीने बीत जाने के बाद अभी भी तक लाश बरामद नहीं हो पाया है। घर वालों ने PMO ऑफिस से लेकर रक्षा मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर के सुहान अली का लाश या जिंदा बरामद करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय जब आपने एक IAS अफसर को ढूंढने से नाकाम साबित हो रही है, ऐसे में आम जनमानस क्या होगा। गृह मंत्री को भी लिखवाया है और मोदी जी को लिखवाया है और जितनी भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको जितनी भी अप्रोच हो सकता था, मैंने सबसे अपील कर लिया है, कुछ भी किसी को छोड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री से पापा भी मिले हैं। वहाँ जाने से पहले आप लोगों से सुबहान अली जी ने बात किया, कुछ टेंशन में थे या किसी तरह थोड़ा बहुत तो कुछ बता रहे थे? हाँ जी, वहाँ के मतलब एक तो उनको प्रॉपर जो गाड़ी होनी चाहिए, 4-5 गाड़ियाँ मिलनी चाहिए उनको उस काम के लिए, वहाँ पे वो नहीं मिली थी। दूसरी चीज जो है, सुबहान को एक गाड़ी दे रखी थी, उसके ऊपर भी उनका ये था कि एक गाड़ी दे रखी है, वो भी ऐसा लगता है जैसे एहसान कर रहे हैं उसको, वो पैदल दौड़ेगा क्या वहाँ पे, एक गाड़ी दे रखी है। उसके बाद में जो है जिससे जहाँ पे वो रह रहे थे, एक उनको JEE दिया, वो भी बताया नहीं कि वो JEE है उनका, वो भी नजरें चुरा के घूम रहा था इधर उधर, पता नहीं उसने काम नहीं कर रहा था। फिर किसी और ने बताया उनको कि ये तुम्हारा JEE है, तुम इससे काम कराओ, इतना क्यों परेशान हो अकेले। तो जाके उस JEE का उस भाई ने बोला तब उसने काम शुरू किया। मतलब इस तरीके से वहाँ पे इररिस्पॉन्सिबल तरीके से चीजें हुई हैं। अभी मजदूरी सिलाई करने वाला कितना पैसा कम बटोर के कर लेगा? मैं सिलाई कर करके बच्चों को अपने पढ़ाया हूँ, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे बच्चा को दुआ करिए कि सही सलामत मिल जाए, और मेरा बच्चा सही सलामत है। अगर कोई भाई मेरा कोई मेरा जी दोस्त ऐसा कर रखा है तो मेरे सुभान को कुछ मत कहना, वो बहुत मासूम है। 5 करके वो ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा, सिर्फ कापी किताब और मस्जिद नमाज पढ़ा, और इसके अलावा कुछ नहीं जानता है। बस मैं इतना जानता हूँ कि आप लोग अगर कुछ भी कर रखें तो मेरे बच्चे को सही सलामत मुझे दे दीजिए, बस, क्योंकि नदी में मेरा बेटा नहीं गिरा है। IIS न्यूज़, जिला संवाददाता राहुल, बलरामपुर।